हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो इसके पीछे के ऑप्टिक्स के क्लास में हम लोग पढ़े थे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब आपका कोई लाइट भी प्रिज्म से गुजरती है तो वह सात रंगों में टूट जाती है। प्रकाश के इन सात रंगों में टूटने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इससे आगे हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक में देखे थे एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्लियर? कि प्रकाश के दो रंगों के विचलन कोण के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता के द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द मेन डिविएशन, कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो यहां तक हम लोग पीछे के क्लास में पढ़े थे। नेक्स्ट आगे के क्लास में अब हम शुरू करने जा रहे हैं उससे आगे का टॉपिक। ना देखें सबसे पहले हम लोग डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, कि डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, तो ये आपका टॉपिक है डिस्पर्शन, कि डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। क्लियर? विदाउट डेविएशन का मतलब हुआ कि विचलन रहित वर्ण विक्षेपण, कि विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ, आप यहां पर अगर गौर से सोचें तो वैसा सिस्टम है या एक सिस्टम है कि वैसे सिस्टम में जिसमें आपको वर्ण विक्षेपण प्राप्त होता है, डिस्पर्शन प्राप्त होता है, लाइट टूटती है सेवन कलर्स में। क्लियर? लेकिन डिविएशन प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें हम लोग दो प्रिज्म का यूज करते हैं, कि जैसे यहां से देखें आप कि इस तरीके से हम यहां पर बना रहे हैं आपको क्लियर, और यहां से हम इस तरीके से इसे बांट दिए। अब आप देखें तो यहां पर आपको दो प्रिज्म नजर आ रहा होगा। क्लियर? तो एक को हम लोग कहते हैं क्राउन प्रिज्म, एक को क्राउन प्रिज्म कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, फ्लिंट प्रिज्म। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों आपका ग्लास का ही वेराइटी है, दोनों ग्लास का ही बना हुआ है, क्राउन ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है, और इसको हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, इस तरीके से रखते हैं कि हमें डेविएशन प्राप्त नहीं होता है लेकिन डिस्पर्शन प्राप्त होता है। तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। क्लियर? तो ये कहता है when a crown prism and flint prism are kept in such a way that क्लियर, सच ए वे दैट, तो क्या होता है, डिस्पर्शन आर प्रोड्यूस, कि डिस्पर्शन आर प्रोड्यूस्ड बट डेविएशन इज नॉट ऑब्टेन्ड। क्लियर? कि व्हेन ए क्राउन प्रिज्म एंड फ्लिंट प्रिज्म आर केप्ट इन सच ए वे दैट डिस्पर्शन आर प्रोड्यूस्ड बट डेविएशन इज नॉट ऑब्टेन्ड, then this combination is called dispersion, कि dispersion without deviation। क्लियर? कहने का मतलब हुआ कि जब एक क्राउन प्रिज्म और फ्लिंट प्रिज्म को
कि फ्लिंट प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है, इस प्रकार रखा जाता है कि वर्ण विक्षेपण प्राप्त होता है, कि वर्ण विक्षेपण प्राप्त होता है, लेकिन विचलन प्राप्त नहीं होता है। तो इस संयोजन को विचलन रहित वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि ये आपका डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन है क्या। ठीक है, अब यहां पर देखें कि ये किस तरीके से होता है। जैसे आप देखें यहां से कि जब आपका ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से पहले क्राउन प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है, क्लियर। चलिए, ये यहां से आपको इस तरीके से आप जानते हैं कि ये सेवन कलर में टूटेगी, क्लियर। तो ये आपका टूट गई, फिनिश्ड। नाउ यहां पर क्लियर, ये यहां पर इस तरीके से आपका रिफ्रैक्ट हुआ, लाइट रिफ्रैक्ट हुई। और रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा कि ये आपका इंसिडेंट रे है, ये जो है सारी इसके पैरेलल हो जाएगी, कि सारी रे जो आपकी निकलेगी तो ये इस तरीके से इसके पैरेलल निकल जाएगी। ये रेड है, ये येलो है, और ये आपका क्या है, वायलेट है। तो देखिए यहां पर आपको डिविएशन प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि डिविएशन हम किसे कहते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। तो ये आपका इंसिडेंट रे है और ये क्या आपका इमरजेंट रे है, क्लियर। चलिए हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश है, क्लियर। तो सारा चीज आप मान लीजिए कि लेट ए ए डैश, तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, फॉर क्राउन एंड फ्लिंट, क्लियर। या यहां पर डायरेक्ट लिखें आप कि क्राउन और प्रिज्म और फ्लिंट प्रिज्म का क्या निकाले हैं, प्रिज्म कोण, क्लियर। बात समझ गए। नाउ देखें यहां पर फिर हम मान रहे हैं इट इज म्यू वी म्यू आर, क्लियर, फिनिश। तो ये देखें म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन प्रिज्म फॉर किसके लिए, वायलेट येलो एंड रेड कलर, क्लियर। मतलब हुआ कि क्राउन प्रिज्म के बैगनी पीला और लाल रंग का अपवर्तनांक। इसी तरीके से अगर यहां पर हम मान लेते हैं म्यू वी डैश म्यू आर डैश, क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट प्रिज्म, फॉर अगेन वायलेट येलो एंड रेड कलर, मतलब ये आपका हो गया फ्लिंट प्रिज्म, के बैगनी पीला और
और लाल रंग का अपवर्तनांक, लाल रंग का अपवर्तनांक। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नौ यहां से आप देखें तो चलिए डेल और डेल डैश भी मान लेते हैं कि डेल डेल डैश, तो ये क्या हुआ, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन, डिविएशन ऑफ क्राउन प्रिज, क्राउन प्रिज एंड फ्लिंट प्रिज, क्राउन प्रिज एंड फ्लिंट प्रिज, फ्लिंट प्रिज मतलब क्राउन प्रिज और फ्लिंट प्रिज, फ्लिंट प्रिज्म का विचलन कोण। क्लियर? विचलन कोण। तो चलिए ये जो मानना है वो तो दोनों केस में हम लोग मानेंगे, तो चलिए अभी इसको आप अच्छी तरीके से राइट करें। क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आगे ऊपर हमें रब करना पड़ेगा, तो चलिए प्लीज़ आप इतना को अच्छी तरीके से राइट कर लें। ओके कंप्लीट। नाउ आप देखिए यहाँ पर आपको क्या कहता है कि डिविएशन नहीं होना चाहिए, तो डिविएशन नहीं होने के लिए मतलब फॉर नो डिविएशन, फॉर नो डिविएशन। क्लियर? नो डिविएशन का मतलब विचलन नहीं। तो विचलन रहित स्थिति के लिए कि यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हैं कि दिस इज विचलन रहित स्थिति के लिए, तो कुल विचलन कितना होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब हुआ कि डेल प्लस डेल डैश इक्वल टू जीरो, मतलब कि क्राउन प्रिंस से कितना डिविएशन प्राप्त हुआ, डेल, और फ्रेंच प्रिंस से कितना डिविएशन प्राप्त हुआ, डेल डैश। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, तो दोनों का सम हो जाता है जीरो। और फार्मूला में आप लोग पढ़े हुए हैं कि डेल बराबर क्या होगा, तो म्यू माइनस वन इंटू ए प्लस क्या हो जाएगा, म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश, इट इज इक्वल टू जीरो, इट इज इक्वल टू जीरो। अगेन सॉल्व करें तो अगेन अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसे भी हम लिख सकते हैं कि म्यू माइनस वन ए, इट इज इक्वल टू म्यू डैश माइनस वन ए डैश, ए डैश। क्लियर? फिनिश ना। और इसके बाद आप कंडीशन निकाल लें कि दिस इज ए डैश बाय ए, तो ए डैश बाय ए अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए डैश बाय ए माइनस म्यू माइनस वन बाय क्या हो जाएगा, म्यू डैश माइनस वन। तो ये जो कंडीशन हुआ, इट इज कंडीशन फॉर नो डेविएशन, तो कंडीशन फॉर नो डेविएशन, तो ये निकल जाएगा आपको कंडीशन फॉर नो डेविएशन, नो डेविएशन मतलब विचलन रहित की स्थिति। और माइनस क्यों आया, तो माइनस इसलिए आया है कि यहां पर क्राउन प्रिज्म और फ्रंट प्रिज्म दोनों क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर? तो ये हमें निकल गया कि डिविएशन का, नो डिविएशन का केस क्या होता है। चलिए इसको हम रब करते हैं ऊपर, फिर हम देखते हैं आगे। क्लियर? लेकिन अगर मान लीजिए कि डिविएशन तो नहीं होता है, लेकिन डिस्पर्शन हमें होता है, डिस्पर्शन हमें क्या होगा कि डिस्पर्शन हमें प्राप्त होगा कि डिस्पर्शन कितना होगा। और डिस्पर्शन हम किसे कहते हैं, डेल भी माइनस डेल आर, डेल भी माइनस डेल आर, तो एंगुलर डिस्पर्शन कितना होगा, तो नेट डिस्पर्शन क्या हम लोग निकाल लेंगे कि नेट डिस्पर्शन कितना होगा। नेट डिस्पर्शन का मतलब हुआ कुल विक्षेपण, तो कुल विक्षेपण कितना होगा, तो चलिए निकालिए यहां पर पहले किसके द्वारा होगा, क्राउन प्रिज्म के द्वारा, तो क्राउन प्रिज्म के द्वारा कितना होगा, डेल भी माइनस डेल आर, दिस इज प्लस डेल भी डैश डेल आर डैश, डेल भी डैश डेल आर डैश। क्लियर? और अगर आपको याद हो तो डेल भी माइनस डेल आर का आपने निकाला हुआ था
तो ये क्या निकला था आपका, दिस इज म्यू वी, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस, ये हो गया म्यू वी डैश म्यू आर डैश इंटू ए डैश। क्लियर? चलिए ए कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब आप यहां से ए कॉमन निकालेंगे तो ये आपका निकल जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश म्यू आर डैश इंटू क्या हो जाएगा ए डैश बाय ए। क्लियर? ए डैश बाय ए का कंडीशन यहां पुट कर दें तो ये आपका हो गया दिस इज ए। क्लियर? दिस इज म्यू वी माइनस म्यू आर। क्लियर? फिर आप देखें यहां से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहां पर ये माइनस है, ये आपको निकल जाएगा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू म्यू माइनस वन बाय म्यू डैश माइनस वन। तो ये आपका हो जाएगा म्यू माइनस वन बाय म्यू डैश माइनस वन। क्लियर? नाउ अगर यहां से हम ये म्यू माइनस वन भी कॉमन निकाल लें तो ये आपका हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटू ए, तो यहां पर नहीं है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपको निकल गया म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस वन। इधर हो गया माइनस म्यू वी डैश म्यू आर डैश बाय म्यू डैश माइनस वन। क्लियर? अगेन आपको अगर याद होगा तो आप देखें यहां से ये क्या बन जाएगा कि म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस वन, तेथी ओमेगा डिस्पर्सिव पावर बन विक्षेपण क्षमता, तो ये आपको निकल जाएगा ओमेगा और ये क्या हो गया ओमेगा डैश, तो नेट डिस्पर्शन आपको इतना प्राप्त होगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया नेट डिस्पर्शन। चलिए प्लीज राइट। क्लियर? चलिए कंप्लीट रब करें। चलिए रब करते हैं। तो इसे आप समझ गए होंगे, तो जैसे नहीं होगा एक बार और ध्यान दें आप, तो ए डैश बाय ए, ये तो आपने क्लियर निकल लिया कि माइनस म्यू माइनस वन बाय म्यू डैश माइनस वन। अब आपने बताया कि नेट डिस्पर्शन, तो नेट डिस्पर्शन कितना होगा दोनों के द्वारा, क्राउन और फ्लिंट दोनों के द्वारा, तो म्यू भी डेल भी माइनस डेल आर प्लस डेल भी डैश माइनस डेल आर डैश। और इसको जब हम सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद आया था म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये आपको हो गया प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ से ए हमने कॉमन निकाला, तो ए जब कॉमन निकाला तो इसमें तो है तो म्यू वी माइनस म्यू आर, इसमें नहीं है तो ए डिवाइड हो गया। फिर हमने ए डैश बाय ए का वैल्यू पुट किया तो म्यू माइनस वन बाय म्यू डैश माइनस वन, ये माइनस हो गया। अब यहाँ से जब आप इसको कॉमन निकालेंगे म्यू माइनस वन को, तो यहाँ पर ये टर्म नहीं है तो यहाँ भी ये डिवाइड होगा, तो म्यू माइनस वन ए म्यू वी माइनस म्यू आर म्यू माइनस वन, अगेन माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बाय म्यू डैश माइनस वन, और ये क्या बन जाता है, तो ये आपका बनता है डिस्पर्सिव पावर। तो आपको बन जाता है म्यू माइनस वन इंटू ए ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। अगर आपको ज़रूरत है तो म्यू माइनस वन ए, इसको हम डेल भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो ना अभी आपने निकाला कि डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, ना अब आपका होगा डेविएशन, कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डेविएशन मतलब विक्षेपण रहित, विक्षेपण रहित विचलन। तो इसमें भी वही है कि जैसे यहां पर देखें आपका कि एक क्राउन प्रिज्म और दूसरा फ्लिंट प्रिज्म। क्लियर? तो चलिए इसको बना दें आप, ये आपका हो गया क्राउन प्रिज्म और ये कौन सा होगा, तो ये आपका हुआ फ्लिंट प्रिज्म। क्लियर? ये एंगल ए, ये एंगल ए डैश। क्लियर? फिर यहां पर आपका इस तरीके से व्हाइट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी
फिर ये तीन कलर में टूटेगी। तो इस तरीके से ये आपको तीन कलर प्राप्त हुआ, वायलेट, रेड, येलो। मतलब होती साथ में हम तीन को दिखा रहे हैं। यहां पर क्या होता है कि ये फिर इस तरीके से क्लियर, और यहां से आपका एक रे ऑफ लाइट निकल जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये थोड़ा टर्न करेगा, और यहां से आपको इस तरीके से अगर आप देखेंगे और इसे पीछे करेंगे तो ये यहां पर आपको नेट डिविएशन प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। तो इसे भी आप समझ गए होंगे। बाकी डेफिनेशन भी आपको उसी तरीके से लिखना है कि व्हेन ए क्राउन प्रिज्म एंड फ्लिंट प्रिज्म आर कैप्ड इन सच ए वे, that the deviation is, that the deviation is obtained, the deviation is obtained, but dispersion is not found, then the combination, then the combination is called, combination is called deviation, कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। कहने का मतलब हुआ कि जब एक क्राउन प्रिज, जब एक क्राउन प्रिज्म और फ्लिंट प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है कि विचलन प्राप्त होता है, लेकिन वर्ण विक्षेपण प्राप्त नहीं होता है, तो इस संयोजन को विक्षेपण रहित विचलन कहते हैं। क्लियर। तो ये आपका डेफिनेशन था। बाकी जितना चीज आप उसमें माने हुए हैं कि जैसे ए डैश एंगल ऑफ प्रिज, म्यू आर डैश और डेल डैश। क्लियर। तो ये सारे वैलिड हो गए। क्लियर। अब आप यहाँ से देखें तो ये आपको क्या कहता है कि फॉर नो डिस्पर्सन कि यहाँ पर आपको डिस्पर्सन नहीं मिलता है, तो डिस्पर्सन नहीं मिलने के लिए विक्षेपण रहित स्थिति के लिए, इसका मतलब है कि नेट डिस्पर्शन कितना होना चाहिए, जीरो। तो नेट डिस्पर्शन अगर जीरो होना चाहिए तो क्राउन प्रिज्म से डिस्पर्शन हुआ, फिर आपको फ्लिंट प्रिज्म से डिस्पर्शन हुआ, और दोनों के द्वारा नेट डिस्पर्शन कितना हो गया, जीरो। क्लियर। तो नेट डिस्पर्शन जीरो। तो ये यहां पर आपको होगा कि दिस इज नेट डिस्पर्शन इट इज इक्वल टू जीरो। तो नेट डिस्पर्शन का मतलब हुआ कुल विक्षेपण।
तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्राउन प्रिज्म से आपको कितना विक्षेपण होगा। तो क्राउन प्रिज्म से आपको विक्षेपण होगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस। फिर फ्रेंच प्रिज्म से कितना होगा, तो ये आपका होगा म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, इट इज इक्वल टू जीरो। इट इज इक्वल टू जीरो। अगेन सॉल्व करें, तो अगेन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, इट इज इक्वल टू माइनस। तो ये माइनस आपको निकलेगा म्यू भी डैश म्यू आर डैश इंटू ए डैश। फिर ए डैश बाय ए का वैल्यू निकाल लें तो ये आपको बन जाएगा इट इज ए डैश बाय ए। क्लियर, ए डैश बाय ए, फिनिश ना। तो ए डैश बाय ए, तो ए डैश बाय ए जब आप निकालेंगे तो ये आपको आ जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। क्लियर, तो ये आपका हुआ कंडीशन कि दिस इज कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन, कि कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन। क्लियर, डिस्पर्शन मतलब विक्षेपण रहित की स्थिति। तो ये आपको निकला कि विक्षेपण, कि विक्षेपण रहित की स्थिति। क्लियर, तो ये आपका हो गया विक्षेपण रहित की स्थिति। नाउ देखें तो कुल डिविएशन कितना होगा, तो देयरफॉर नेट डिविएशन, कि नेट नेट डिविएशन, तो ये डेल बराबर क्या हो जाएगा कि जैसे नेट डिविएशन डेल प्लस डेल डैश, और इसका आपको होगा म्यू माइनस वन इंटू ए प्लस म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश। अगेन आप यहाँ पर ए को या पूरे को आप कॉमन ले लें कि दिस इज म्यू माइनस वन इंटू ए, तो ये आपको बन जाएगा वन प्लस म्यू डैश माइनस वन म्यू माइनस वन, और ये आपको हो जाएगा ए डैश बाय ए। क्लियर, सारा वैल्यू पुट कर दें तो ये हो गया म्यू माइनस वन इंटू ए, और ये हो जाएगा वन माइनस म्यू डैश माइनस वन म्यू माइनस वन ए डैश बाय। तो ए डैश बाय ए इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू भी डैश म्यू आर डैश। क्लियर, आगे आगे अब इसको सजा के सिर्फ लिख देना है। तो नेट डिविएशन आपको डेल इज इक्वल टू आपको हो जाएगा कि ये हो गया वन, कि दिस इज म्यू माइनस वन इंटू ए, और इधर आपको हो जाएगा दिस इज वन वन माइनस, देखें यहाँ से गौर से कि म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस वन, हम ऊपर कर देते हैं तो ये आपका हो गया म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस वन बाय। नीचे देखें क्या क्या बचेगा, इसको हम नीचे लाएंगे तो ये आपको बच जाएगा म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बाय म्यू डैश माइनस वन। अगेन आपको किसका फॉर्मूला आ गया, डिस्पर्सिव पावर, तो ये आपको बन जाएगा म्यू माइनस वन इंटू ए वन माइनस ओमेगा बाय ओमेगा डैश, और ये आपको नेट, ये आपको नेट डिविएशन प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए ओके, यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो मन लगा के पढ़ाई करें, अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, और मेरे अपने लिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेके हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।